देखिए कहते हैं कि अगर दुश्मन के साथ झगड़े में आपका परिवार आपके साथ नहीं है ना, तो आपको सोचने की जरूरत है। अगर दुश्मन के साथ झगड़े में परिवार आपके खिलाफ खड़ा है तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है, मतलब हो सकता है आप गलत हो। और अगर दुश्मन के साथ लड़ाई में आपका परिवार दुश्मन के साथ खड़ा हो जाए तो आपको अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत है, तो आप निश्चित तौर पर गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 3 तस्वीरें देखिए आप। जिस वक्त अखिलेश अपने जीवन की सबसे मुश्किल सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जिस वक्त अखिलेश को परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस वक्त अखिलेश को परिवार का समर्थन चाहिए, जिस वक्त अखिलेश अपने सबसे बड़ी सियासी लड़ाई सियासी दुश्मन से लड़ रहे हैं, परिवार उनके साथ नहीं खड़ा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सबसे बड़ा झटका देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 3 तस्वीरें देखिए, पूरी कहानी समझ जाएंगे। समाजवादी परिवार बीजेपी के द्वार, मुलायम सिंह यादव के समधी कहे जाने वाले हरिओम यादव जी, अखिलेश यादव से ज्यादा उनको भी बीजेपी पर भरोसा है, एंट्री हो चुकी है। और नहीं, सुनिए आगे। मुलायम परिवार के करीबी रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता साढ़ू, वो भी अखिलेश की साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 3 तस्वीरें देखिए। समाजवादी परिवार बीजेपी के द्वार, दुश्मन के साथ लड़ाई में जब परिवार आपके साथ नहीं खड़ा है तो आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए आज यूपी की राजनीति में जानते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटियों को समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी जितना इतरा रही है उतना ही सवाल पर चुप हो जाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद को बीजेपी में सुरक्षित महसूस कर रही है। अखिलेश यादव के साथ तमाम जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, लेकिन उनकी बहू वो बीजेपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो बेटियां समझ रही हैं क्या बेटियां समझ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए योगी उपयोगी और ये बीजेपी का बदला नहले पर दहला, क्या इसके सियासी मायने हैं? क्या लखनऊ कैंट से टिकट दी जाएगी इनको, नहीं दी जाएगी? परसेप्शन की लड़ाई में क्या बीजेपी ने बाजी मारी है, या सहानुभूति परिवार के साथ होगी, अखिलेश यादव के साथ होगी कि कम से कम परिवार में तोड़फोड़ तो ना मचाए बीजेपी? अब इसके कुछ भी सियासी मायने निकाले जा सकते हैं।